बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस बात की घोषणा की गई है 2020 से अब तक 7,16,000 लोगों को नौकरी दी गई है और चुनाव से पहले 12,00,000 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले 4 सालों में 24,00,000 लोगों को रोजगार दिया गया और चुनाव तक 10,00,000 और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य इस बैठक में तय किया गया है। पटना के जेडीयू कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह तय हो गया कि 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। पार्टी ने 225 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और चुनाव को लेकर रणनीति बनी, लेकिन अशोक चौधरी को महासचिव बनाने पर सवाल भी उठे। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी मंत्री, सांसद और विधायक उपस्थित रहे। इनके साथ पार्टी के 400 सदस्य भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बैठक में नहीं पहुंचे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए 220 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2010 में 2006 सीटें एनडीए ने जीती थीं। उस समय तीर धनुष को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। दरअसल तब जेएमएम और जेडीयू के चुनाव सिंबल को लेकर कुछ विवाद हुआ था। अपने भाषण में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद किया। 2024 का चुनाव ये शो कर दिया, आज भी नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उन्होंने टारगेट दिया है कि 220 सीट हम एनडीए को जीतना। ये टारगेट सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं है, ये टारगेट पूरे एनडीए के लिए है, भाजपा के लिए भी है, या अन्य जो पार्टी है सहयोगी पार्टी उनके लिए टारगेट दिया है कि ये जीतना है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जितना हमारे पास साधन था वो सब काम हम लोग करते रहे। 24,000 करोड़ के बजट को हम लोग 3,00,000 करोड़ तक ले गए, लेकिन हम लोगों ने हमेशा डिमांड किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या उसमें टेक्निकल कोई अड़चन है तो बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मिले। उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को और जो अन्य नेता हैं कि इस बार के बजट में बिहार में खास करके सड़क में, पर्यटन में, उद्योग में, फ्लड मैनेजमेंट में जो आज विशेष सहयोग दिया है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, और आगे भी उन्होंने कहा हुआ है कि और भी सहयोग मिलेगा। तो इतना काम तो हो रहा है, ये केंद्र का ये सहयोग हो जाएगा, ये डबल इंजन की सरकार 2030 तक विकसित प्रदेश में बिहार। संगत पंगत की बात है, साथ में बैठ करके भी आप लोग पर तय करेंगे हम लोग। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव। वर्ष 2025 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जेडीयू नेताओं को टास्क दिया गया। नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, इसलिए मजबूती से चुनाव में जुटना है। जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 6 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए संगत पंगत कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें प्रखंड स्तर तक के एनडीए के नेता नियमित तौर पर मिलेंगे, आपस में चाय और नाश्ते पर चर्चा होगी। इसमें वे विपक्षी दलों की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेंगे। दूसरा, सम्मान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसमें समता पार्टी के दौरान जुड़े रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से पार्टी के नेता संवाद करेंगे। तीसरा, लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी गई, जिनके नाम और काम पर चुनाव लड़ा और जीता गया। चौथा, नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। पांचवा, जातीय गणना कराने और इसके आधार पर आरक्षण लागू करने को लेकर फिर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया। और छठा, नौकरी और रोजगार का मतलब, नीतीश कुमार का प्रस्ताव पास हुआ।
बहरहाल जेडीयू चुनावी मिशन मोड में आ गया है। नीतीश कुमार विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं को टास्क दे रहे हैं। जाहिर है पार्टी हर हाल में 2025 में सत्ता में वापसी चाहती है। इसके लिए 220 से अधिक सीटें जीतने के लिए पार्टी ने एनडीए के साथ रणनीति बनाई है। और सहयोगी आशुतोष चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अब ये तो अस्पष्ट हो गया है कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके साथ ही जेडीयू ने यह भी बता दिया है कि नौकरी और रोजगार मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल जो आंकड़े जारी हुए हैं जेडीयू के तरफ से, उन आंकड़ों की माने तो 10 लाख का टारगेट इस बार नीतीश कुमार ने रखा था और 7.25 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और साथ ही लक्ष्य लगभग नीतीश सरकार ने हासिल कर लिए हैं। अब इससे ज़्यादा नौकरियों के मामले में, रोजगार के मामले में नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा है कि लगभग 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा पूरे 5 साल के कामकाज में। तो स्वाभाविक तौर पर जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हासिल करने का दावा किया जा रहा है जेडीयू के तरफ से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि कल की जो बैठक थी, बैठक में एक स्पष्ट राय बनी कि एनडीए को एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है और एनडीए के लिए टारगेट तय किया गया 220 सीटें। तो स्वाभाविक तौर पर एक स्ट्रैटेजी बनी है कि कैसे एनडीए के नेता समय समय पर मीटिंग करते रहेंगे, साथ में बैठते रहेंगे, बातचीत करेंगे और उस बातचीत के आधार पर जो भी कहीं कमियां होंगी उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो एक लक्ष्य तय कर दिया गया है अगले चुनाव को लेकर के और उस लक्ष्य के मुताबिक एनडीए के जो सहयोगी दल है वो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए लक्ष्य तय किया गया है और इसके साथ ही पार्टी नेताओं को टास्क भी दिया गया है, तो वो टास्क क्या है ये भी हम चाहेंगे आप बताइए। नहीं, टास्क सबसे बड़ा ये दिया गया है कि आप अपने क्षेत्रों में जाएं और जहां जो योजनाएं चल रही हैं, अगर कोई शख्स उस योजना से वंचित है तो उसे सूचना दीजिए, योजना के बारे में बताइए, या फिर अगर कहीं कार्यान्वयन में परेशानी हो रही है तो उसकी जानकारी पार्टी को दीजिए, या फिर सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको सूचना दीजिए ताकि जो वंचित तबका है या वंचित शख्स है उसको योजना का लाभ मिल सके। ये पहला टास्क दिया गया है। दूसरा टास्क दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही वो बैठेंगे और संगत पंगत जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत जितने भी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ छोटी छोटी मीटिंग होगी और मीटिंग के जरिए जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं या फिर विपक्ष की तरफ से जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है उसे कैसे दूर किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। ये टास्क दिया गया है। सबसे अहम टास्क ये है कि 2005 के बाद नीतीश सरकार ने जो काम किए हैं उसकी पर्चियां भी बंटवानी है, यानी जो प्रचार का जो पुराना तरीका होता है पर्चियों के जरिए, पंपलेट के जरिए, तो उस पुराने तरीके पर ही, उस फॉर्मेट पर ही काम करने के लिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं नेताओं को कहा गया है। और इन पर्चियों में 2005 के बाद जो नीतीश सरकार आने के बाद जो बदलाव हुए हैं उनका जिक्र होगा। तो ऐसे कई एजेंडे थे जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुझाव के रूप में दिया है और पार्टी को उस पर अमल करने का निर्देश दिया। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर इस बैठक में सरकार की तरफ से अब तक क्या उपलब्धि सरकार की रही ये जनता को बताया जाए और जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आम जनता, आम लोगों तक पहुंच सके, इसे लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।